तो फ्रैक्चर ह्यूमरस एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है, गिरने से हो जाता है, यंग लोगों में भी होता है और एल्डरली लोगों में भी होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं और लोगों को इसके ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बना रहे हैं। इस हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं। ऊपर ये शोल्डर जॉइंट से कनेक्ट होती है और ये फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, ये हड्डी के टुकड़े हो गए हैं, एक छोटा सा पीस इधर भी पड़ा हुआ है। ये पूरा, अब आप बोन को एल्बो तक देख रहे हैं, ये एल्बो जॉइंट है, कोने का जोड़ आ गया है। तो ये पूरी ह्यूमरस बोन आप देख सकते हैं। तो फ्रैक्चर शाफ्ट ह्यूमरस जो होता है उसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बताया जाता है वो होता है कि प्लास्टर लगाना। वो सबसे ईजी ट्रीटमेंट होता है, प्लास्टर आप कहीं भी इमरजेंसी में लगवा सकते हैं। लेकिन प्लास्टर के क्या नुकसान है? प्लास्टर का सबसे पहला नुकसान है कि हड्डी अपनी जगह पे नहीं जुड़ती है, या तो वो टेढ़ी रहती है या हाथ छोटा हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, कई बार हड्डी जुड़ती ही नहीं है तो कुछ महीनों के बाद आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तीसरा, जब हम बहुत दिनों तक प्लास्टर को ऐसे रखते हैं तो जब 3 या 4 महीने के बाद आपका प्लास्टर हटता है तो आपका कंधा और कोहनी स्टिफ हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और एल्बो सीधी नहीं होती है। तो उसके लिए एक तो आपको दर्द और तकलीफ होता है, उसके अलावा आपको कई महीने तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। चौथी चीज़, जब प्लास्टर लगा रहता है तो अंदर पूरी स्किन खराब हो जाती है, कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है और एल्डरली पेशेंट के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, एक है कि हम प्लेट लगा सकते हैं, दूसरा है कि हम रॉड लगा सकते हैं जिसको इंट्रामेडुलरी नेल कहते हैं। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसमें हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें कंपैरिजन के लिए रखी है यहाँ पर। ये ब्लू लाइन को हम फ्रैक्चर मान के चल रहे हैं, अगर प्लेट लगाते हैं तो फ्रैक्चर के दोनों तरफ इस तरह से ये प्लेट चली जाती है, और अगर रॉड लगाते हैं तो फ्रैक्चर लगभग सेंटर में आता है। तो इस तरह से दो इम्प्लांट यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेट की, जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है। तो प्लेट को फिक्स करने के लिए ऐसे स्क्रूज लगाए जाते हैं जो हमने आपके लिए अरेंज करके रखे हैं। प्लेट के क्या क्या नुकसान हैं? सबसे पहले, जितनी बड़ी प्लेट है कम से कम इतना बड़ा इंसीजन लगेगा, यानी कि इतना हमें आपके मसल्स को और स्किन को खोलना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग, पेन और कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट टेक्निकल चीज़ है कि अगर ये फ्रैक्चर है उसके आसपास हम बहुत सारे ड्रिल होल्स करते हैं स्क्रू डालने के लिए, यानी कि जहां ऑलरेडी फ्रैक्चर है उसको, आसपास की हड्डी को हम कमज़ोर कर रहे हैं प्लेट लगाकर। तीसरी चीज़ होती है कि जब भी हमें प्लेट निकालनी पड़ती है, जब ये प्लेट निकलेगी हमें फिर उतना ही खोलना पड़ेगा, उतना ही बड़ा आपका ऑपरेशन होगा, और जब प्लेट हटाई जाती है तो नीचे जो बोन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी कि आपको अपने हाथ को, अपनी बाजू को काफ़ी दिनों तक प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्लेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं नेल की। नेल में क्या है कि जहाँ से शोल्डर से हम नेल को डालते हैं सिर्फ एक छोटा सा इंसीजन वहाँ लगता है, और हम रॉड को, जो मेडुलरी कैविटी होती है, हड्डी अंदर से खोखली होती है तो उसी मेडुलरी कैविटी में हम रॉड को डाल देते हैं। इसकी फिक्सेशन के लिए सिर्फ 2 स्क्रू ऊपर और 2 स्क्रू हम नीचे डालते हैं, यानी कि फ्रैक्चर से काफ़ी दूर हम सिर्फ 2-2 छेद करते हैं, हमें ज़्यादा स्क्रूज डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें 1 छेद करना पड़ता है, छोटा सा इंसीजन करना पड़ता है रॉड को डालने के लिए, 2 छोटे इंसीजन इन स्क्रूज के लिए और 2 छोटे-छोटे इंसीजन इन स्क्रूज के लिए। ये इंसीजन इतने छोटे होते हैं कि इनमें स्टिच लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और कभी अगर रॉड को निकालना भी हो तो सिर्फ यही छोटे छोटे 4-5 इंसीजन हमें करके हम इम्प्लांट को निकाल सकते हैं, यानी कि हमें कभी भी पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी क्या एडवांटेज है कि जब हम मसल को डैमेज ही नहीं कर रहे हैं, MIS टेक्निक का जैसे हम बताते हैं, हर MIS टेक्निक में जब हम मसल को डैमेज नहीं कर रहे हैं तो उसमें ना ब्लीडिंग है, ना पेन है, ना आपकी मसल वीकनेस है। अगली चीज़, जब हम प्लेट लगाते हैं तो कई बार हम Day 1 से फिजियोथेरेपी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मसल्स डैमेज होती हैं और पेशेंट को पेन होता है। लेकिन जब हम नेल डालते हैं हम MIS टेक्निक से, तो इसमें हम पहले दिन से ही आपकी शोल्डर और एल्बो की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, तो इसलिए ना तो आपकी कोहनी स्टिफ होगी ना आपको फ्रोजन शोल्डर होगा। तो ये एडवांटेज हैं डिफरेंट इम्प्लांट्स की।
नरेंद्र का ये लेफ्ट बाजू का एक्सरे है, लेफ्ट आर्म का। इसमें काफ़ी सारे आप देख सकते हैं डिफरेंट पैटर्न का फ्रैक्चर है। ये है हमारा एपी व्यू और ये लैटरल व्यू। साइड से जब एक्सरे को देखते हैं तो ये फ्रैक्चर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इनकी हड्डी यहाँ से टूट गई है। जो आमतौर पर इसमें ट्रीटमेंट होता है, या तो प्लास्टर लगाया जाता है या इसमें प्लेट लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन इन दोनों में काफ़ी नुकसान है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन हमने MIS टेक्निक से इसका किया है। अभी हम एक्सरे दिखाते हैं आपको आफ्टर द सर्जरी। आप बाइक पे थे? हाँ, सब बुलेट पे था, 30-40 की स्पीड थी, मेरी स्पीड चल रही हाँ, बस वो कह रही थी। ओके, इसके बाल कर दिया कोई जगह। पैर, हाथ की उंगली चलाओ। ठीक है, हाथ लगा रहा हूँ, सुन तो नहीं है? नहीं। ठीक है, ठीक, थोड़ी देर के लिए हुआ था पहले बीच में, अब फिर ठीक है। प्लास्टर से कुछ सपोर्ट तो मिल ही रही होगी ना? ठीक ठीक, प्लास्टर में होता है, नीचे गिरता है। हाँ ठीक, ओके। नरेंद्र का फ्रैक्चर ह्यूमरस है, मिडिल थर्ड लोअर थर्ड जंक्शन, जिसमें प्लास्टर लगा हुआ है। दिस इज नॉट द एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट। ओके, सो वी आर प्लानिंग फॉर इंटरलॉक नेलिंग। ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है नरेंद्र का। इसमें हमने सिर्फ एक छोटी सी यहाँ से एंट्री करके ये एक रॉड डाली है, इसको इंटरमेडुलरी नेल कहते हैं। इसको फिक्स करने के लिए दो स्क्रू ऊपर डाले गए हैं और ये दो स्क्रू नीचे हैं, जो लैटरल व्यू में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। फ्रैक्चर बिल्कुल अपनी जगह पर आ गया है और यहाँ पर कोई भी स्टिच या ओपन नहीं किया गया है फ्रैक्चर को। अगर लैटरल व्यू में देखें तो ये ऊपर वाले स्क्रू हैं और फ्रैक्चर बिल्कुल विजिबल ही नहीं है इस व्यू में, लैटरल व्यू में। और ये दो नीचे वाले स्क्रू हैं जो एपी व्यू में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब लैटरल व्यू में आप देख सकते हैं। तो ये एडवांटेज है MIS टेक्निक की। आप देख सकते हैं फ्रैक्चर साइट पर ना कोई कट है, ना इंसीजन है, ना स्टिचेस हैं। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है और बड़े इजीली सर्जरी के 12 घंटे बाद ही एल्बो की मूवमेंट्स कर पा रहे हैं। इनको ना कभी कोई मेजर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और ना कभी इनकी एल्बो स्टिफ होगी। तो इसी तरह से हम शोल्डर की मूवमेंट भी इजीली करा सकते हैं। पेशेंट की फैमिली को भी हम साथ साथ डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि घर में जाकर कैसे एक्सरसाइज करवानी है। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट दूर गांव में रहते हैं, जहां कई बार फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो ऐसा होने के बावजूद भी ये पेशेंट अपनी एक्सरसाइजेस ईजीली कर सकते हैं। और जब तक पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं तो इनका रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है एंड पेशेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ MIS टेक्निक।